2021 में भारत के लोग कुल 66 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेंगे, उसमें से 44 लाख करोड़ रुपए किराना और खाने पीने का सामान पे खर्चा होगा, जो कि टोटल स्पेंडिंग का 66% है। कपड़े, जूते, फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन और दवाई पे 18% खर्चा। पहले मार्केट पर सिर्फ यूनिलीवर और नेस्ले का कब्जा था, लेकिन अब अमूल, पतंजलि, टाटा, डाबर और पार्ले जैसी भारतीय कंपनी भी पीछे नहीं है। रोज़ के बाज़ार, रविवार की मंडी, गली की दुकान और अब मॉल्स। भारत ने सब देख लिया है। जब कोई कंपनी राशन कपड़ा बेचती है तो हम उसे ऑर्गेनाइज रिटेल कहते हैं। 4% रिटेल मार्केट शेयर के साथ पहले नंबर पर है रिलायंस रिटेल, जो कि रिलायंस फ्रेश, मार्ट, डिजिटल, ट्रेंड्स और भी कई नामों से मार्केट में उपलब्ध है। 2006 से रिलायंस के पास 7,000 शहरों में 13,000 से भी ज़्यादा दुकानें हैं। कंपनी का इस साल 3,000 नए दुकान बनाने का लक्ष्य है। सबसे अधिक 8,500 सिर्फ रिलायंस डिजिटल और जियो के स्टोर्स हैं। रिलायंस 1,00,000 लोगों को रोज़गार देती है। इस साल आय 1,60,000 करोड़ है, जिसमें से 5,500 करोड़ शुभ लाभ है। सबसे बड़े रिटेलर होने के कारण जो भी विदेशी कंपनी अपना सामान भारत में बेचना चाहती है, वो सबसे पहले रिलायंस के पास आती है। कृष्ण अंडमानी की डी मार्ट, जिसे कि स्टॉक मार्केट में एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड के नाम से निवेशक जानते हैं। 2002 से डी मार्ट के 80 शहरों में 246 दुकानें हैं, जो कि अधिकतर पश्चिम और दक्षिण भारत में स्थित हैं। 8,000 लोगों को रोजगार देकर डी मार्ट की सालाना है 27,000 करोड़ है। डी मार्ट के रेट सबसे कम होते हैं। चौथे नंबर पर टाटा है, जो कि ट्रेंड लिमिटेड के नाम से वेस्ट साइड जूडियो, फैशन यात्रा और लैंडमार्क म्यूजिक स्टोर चलाती है। स्टार बाजार के नाम से किराना का सामान भी बेचती है। ट्रेंड के कुल 266 स्टोर में 9,000 लोग काम करते हैं। टाटा इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड के नाम से क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स भी चलाती है, जिसके पास 40 शहरों में 117 स्टोर्स और 300 कर्मचारी हैं। इस कंपनी की सालाना आय 5,300 करोड़ रुपए है। टाटा टाइटन इंडस्ट्रीज के नाम से टाइटन, तनिष्क, सोनाटा और फास्टैग जैसे कई ब्रांड्स को ओन करती है। इसके 1700 स्टोर्स में 15,000 लोग काम करते हैं। तीनों से टाटा सालाना 20,000 करोड़ रुपए कमाती है, जिसमें से 9,000 करोड़ तनिष्क की बिक्री है और भी बाकी है। छह नंबर पर है फ्यूचर रिटेल, जो कि जानी पहचानी स्टोर्स जैसे बिग बाजार, ब्रांड फैक्ट्री, नीलगिरी सेंट्रल चलाती है। 2001 से शुरुआत करके इनके पास 2,000 स्टोर्स में 45,000 कर्मचारी हैं। लॉकडाउन और विवाद के चलते इन्हें पिछले साल 3,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 6, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप से पैंटलॉन्स को खरीद लिया। कंपनी पहले से ही एलन सॉली, लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड और वैनोसन जैसे ब्रांड्स को मुद्रा फैशन के अंडर ओन करती है। 1997 से लेकर इनके पास 800 शहरों में 3,000 स्टोर्स हैं। कंपनी ने 30,000 कर्मचारियों के साथ 300 करोड़ रुपये का फायदा किया। शॉपर स्टॉप ने 1991 में भारत में मॉल कल्चर को स्टार्ट किया था। पिछले साल शॉपर स्टॉप ने 7,500 कर्मचारियों के साथ 275 करोड़ का मुनाफा कमाया। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की स्पेंसर्स 1991 से 35 शहरों में 120 स्टोर्स हैं। 15,000 कर्मचारियों के साथ पिछले साल स्पेंसर्स ने 180 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। 750 स्टोर्स के साथ सन 2007 से मोर रिटेल भी भारत के कई शहरों में उपलब्ध है। 17 राज्यों में V2 रिटेल की 80 स्टोर्स हैं। 1675 करोड़ रुपये की आमदनी के साथ वी मार्ट के स्टोर्स भारत के 17 राज्यों में हैं। सिंगल कैटेगरी गुड्स में रेमंड्स के पास भारत में कुल 1,000 स्टोर्स हैं और बाटा के पास भी 4,500 स्टोर्स हैं कुल भारत में। मार्च 2020 में कोरोना वायरस के आने के बाद लॉकडाउन घोषित हो गया और सारे दुकान बाजार बंद हो गए। लोग रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए ऑनलाइन जाने लगे और ऑनलाइन ग्राहकों में बहुत
तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। 2020 में भारतीयों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए के सामान ऑनलाइन खरीदे और उसमें से 50% मोबाइल फोन्स थे। भारत का ऑनलाइन किराना का बाजार 40,000 करोड़ रुपए का रहा। भारत का सबसे बड़ा और पुराना ऑनलाइन किराना स्टोर बिग बास्केट है, जिसे कि मई 2019 में टाटा ने खरीद लिया। 2011 से शुरू हुई बिग बास्केट ने खुद में बहुत सुधार लाया है। केवल 32 शहरों में होने के बाद भी बिग बास्केट 30% ऑनलाइन खाने का सामान बेचती है। डेली अपने गोदामों से 3.5 लाख ऑर्डर्स डिलीवर करती है। क्रोमा और टाटा क्लिक को मिला के टाटा अपना सुपर ऐप न्यू 2022 में लाने वाली है। 2020 में स्टार्ट होके भी जियो मार्ट आज 220 शहरों के साथ 25% मार्केट शेयर ले चुकी है। पहले से फिजिकल स्टोर्स होने के कारण जियो मार्ट बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। दूसरे ऑनलाइन वेंचर्स को मिला के रिलायंस भी अपना सुपर ऐप जल्द लॉन्च करेगी। 2020 में जियो मार्ट पार्टनर ऐप से रिलायंस ने 1500 करोड़ का सामान दुकानदारों को बेचा। 2013 में स्टार्ट हुई ग्रोफर्स को जियो मार्ट ने अपने डीप डिस्काउंट से बहुत घाटा पहुंचाया। डी मार्ट रेडी ऐप को हर महीने 50 लाख लोग व्यवहार करते हैं और यहाँ भी डी मार्ट सबसे कम दाम पे सामान बेचने के लिए जाने जाते हैं। अमेजॉन फ्रेश और अमेजॉन पेंट्री के साथ अमेजॉन भी इस रेस में पीछे नहीं है। फ्लिपकार्ट सुपर मार्ट से अब खाने पीने का सामान ऑनलाइन बेचती है। सबसे अधिक लाभ 35% ताज़ा सब्जी और फल से होता है। सबसे अधिक बिक्री 35% चावल, आटा, दाल और तेल की होती है। 10 मिनट में खाने पीने के सामान की डिलीवरी को क्यू कॉमर्स कहा जाता है। बेंगलुरु और चेन्नई के स्मार्ट निवासियों के कारण ऑनलाइन बिक्री सबसे अधिक दक्षिण भारत में होती है, फिर पश्चिम, उत्तर और पूरा भारत का नंबर आता है। क्योंकि इतना खर्चा करने के बाद भी सिर्फ 4% सामान ऑनलाइन बिकता है और 17% मॉल्स और सुपरमार्केट से 80% मार्केट आज भी छोटे दुकानदारों के पास है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिटेलर है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन, टास्मैक। 1983 से तमिलनाडु सरकार की ये कंपनी तमिलनाडु के 33 जिलों में 7,000 दुकानों से 32,000 करोड़ रुपये का सिर्फ एक सामान बेचती है। सरक